हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने कॉटी फ्लो और हाइगेनपोज़ली इक्वेशन के कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जो कि गेट वगैरह में आए थे। ठीक है, यहां पर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप उस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आप देखोगे जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम हमारे गेट में यूज़ होते हैं। बट डिपेंड ये करता है कि आपने यूनिवर्सिटी के समय उन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से ऑब्जर्व किया हो, ठीक से पढ़ा हो। ठीक है, अदर देन दैट हमारे पास कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट या एकदम कोई मैजिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता है जो कि गेट में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप आप इस चीज़ को केयर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हम टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में फिर हम लोग देखेंगे डार्सी विज़बैक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, उस टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूड पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन दे रहे होते हैं। ठीक है, किसी फ्लूड फ्लो के केसेस में फ्लो लैमिनार होगा या फ्लो टर्बुलेंट होगा, ये डिसाइड करने के लिए हम एक डायमेंशनलेस टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड द विस्कस फोर्स। ठीक है, सो इन केस ऑफ पाइप अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा आता है तो हम उस फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो एज्यूम कर लेंगे। मैंने ये भी बताया था कि कुछ कुछ बुक्स में इवन गेट के क्वेश्चंस में कई बार आरए की वैल्यू 2300 या फिर 2400 भी दी हुई होती है, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, ओके, सो टर्बुलेंट फ्लो होगा अगर रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000। ठीक, सो किसी टर्बुलेंट फ्लो के लिए फ्रिक्शनल लॉस कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज फ्रिक्शनल हेड HF कैलकुलेट करने के लिए डार्सी ने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज नोन एज डार्सी विज़बैक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए हम एक पाइप कंसिडर करते हैं। ठीक है, पाइप की जो लेंथ है दैट इज L। ठीक है, L लेंथ की एक पाइप कंसिडर करते हैं, उसके बीच हम दो सेक्शन, सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2 हम लेते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 पे जो प्रेशर है दैट इज P1 एंड सेक्शन नंबर 2 पे जो प्रेशर है दैट इज P2। मैंने हमको पहले भी बताया है कि जो प्रेशर होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ सेक्शन एंड इट इज टूवर्ड्स द सेक्शन। सो ये P1 और P2 के डायरेक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट, इस सेक्शन पे जो वेलोसिटी है दैट इज V1 और इस सेक्शन पे वेलोसिटी है V2। ठीक है, इस सेक्शन का जो एल्टीट्यूड है दैट इज Z1 एंड इसका जो एल्टीट्यूड है दैट इज Z2। ठीक है, Z1 एंड Z2 दोनों सेक्शंस के एल्टीट्यूड हैं। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि ये एक पाइप है, पाइप के लिए एरिया एट सेक्शन नंबर 1 विल बी इक्वल टू एरिया एट सेक्शन नंबर 2। ठीक है, सो फ्रॉम कंटिन्यू इक्वेशन मैं जानता हूं क्यू इज इक्वल टू होता है A1 V1, इट इज ऑल्सो इक्वल टू A2 V2। सो यहां से आ गया V1 इक्वल टू V2। सिमिलरली जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है, दैट्स वाई Z1 इक्वल टू Z2 होगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हमको यहां से पता चली। उसके बाद इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस करने हैं हमने। ठीक है, और ये याद रखना है कि कभी भी जब आप कोई भी डेरिवेशन करते हो, चाहे वो हाइगेनपोज़ली लॉ हो, ठीक है, चाहे वो डार्सीज़ विज़बैक इक्वेशन, चाहे कोई भी इक्वेशन हो, बर्नौली इक्वेशन हो, ऑयलर्स इक्वेशन हो, व्हाटसोएवर, आपको हमेशा उसके एजम्पशंस को, चाहे जितने भी एजम्पशंस हैं, मोस्ट ऑफ द एजम्पशंस आपको हमेशा याद होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप प्रीवियस गेट के क्वेश्चंस या प्रीवियस IES के क्वेश्चंस देखेंगे या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है यूनिवर्सिटीज में कि इस पर्टिकुलर लॉ का या इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के एजम्पशंस को आप लिखिए। सिमिलरली जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉची फ्लो, ठीक है, कॉटी फ्लो जो हमने देखा था, कॉटी फ्लो के लिए जो एजम्पशंस थे दैट इज स्टडी फ्लो इनकंप्रेसिबल एंड वन प्लेट इज फिक्स्ड अदर प्लेट इज मूविंग, ये उसका एजम्पशंस था बेसिकली, बट इसको डायरेक्टली क्वेश्चन की तरह फ्रेम करके हमको गेट में दे दिया गया। तो यहां से अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, जो हम यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जो डेरिवेशंस करते हैं, जो एजम्पशंस करते हैं, उन हर एक पॉइंट्स को किसी ना किसी तरह से तोड़ मरोड़ करके हम एक गेट के क्वेश्चन में फॉर्म कर सकते हैं, उसको फ्रेम किया जा सकता है। तो जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं डेरिवेशंस के बीच में, जो एजम्पशंस आते हैं, जो कंसिडरेशंस आती हैं, जो बाउंड्री कंडीशंस आती हैं, वो उसका हमको अलग से सेपरेट नोट्स बना करके रखना चाहिए ताकि हम आगे जब गेट की प्रिपरेशन करें, ठीक है, या अगर हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उसमें हमको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, सो अब देखते हैं हम इसका जो एजम्पशन है। तो यहां पर डार्सी विज़बैक इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे फ्रिक्शनल हेड निकालने के लिए, दैट इज दी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, वो निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम मानेंगे एक टर्म दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा वो देखना है। तो इसका एजम्पशन है पहला कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा इन अ टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप, वो
वी रेस्ट टू पावर एन के प्रोपोर्शनल होगा। जो लैमिनार होता था लैमिनार फ्लो में वो वी के प्रोपोर्शनल होता था, वी इज द एवरेज और मीन वेलोसिटी। लेकिन इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू वी रेस्ट टू पावर एन। अब एन की जो वैल्यू है दैट विल बी बिटवीन 1.5 to 2, 1.5 से 2 के बीच में इस n की वैल्यू होगी, यानी कि हम v रेस्ट पावर 1.5 या v रेस्ट पावर 2 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को। हम इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में या फिर जितने भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिलेंगे उसमें n की वैल्यू 2 लेके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूड। अगर फ्लूड की डेंसिटी रो है तो ये डेंसिटी की पे डिपेंड करेगा, उसके उस पर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहाँ पर भी याद रखना है कि हमारा जो फ्लूड है दैट इज इनकम्प्रेसिबल, अभी भी ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन है आपका, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्लूड जहां पर सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा उस सरफेस एरिया की वैल्यू पर ये डिपेंड करता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका थर्ड अजम्पशन है। फोर्थ अजम्पशन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है, दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन अ टर्बुलेंट पाइप फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। जितने भी अजम्पशंस हैं उसको अल्टर करके दे सकता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है क्योंकि हमको जनरली लगता है कि प्रेशर पे डिपेंड होगा ये, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जिस मटेरियल का ये सरफेस बना होगा उस सरफेस की प्रॉपर्टी पर ये डिपेंड करेगा। तो ये है हमारे सारे अजम्पशंस। अब हमको इसमें जो लॉसेस निकालने हैं, लॉसेस निकालने के लिए सिंपल फंडा है कैसे ये डेरिवेशन स्टार्ट होगा। अगर ये डेरिवेशन सपोज आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो आप किसको कैसे इनिशिएट करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉस निकालना है दैट इज हेड लॉस, उसको कभी भी अगर किसी रियल फ्लूड के लिए निकालना हो तो हमारे पास सबसे फंडामेंटल इक्वेशन है दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अ रियल फ्लूड, ठीक है। सो उसको मैं लिखूं अगर, सो सेक्शन 1 एंड 2 के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा, सो दैट विल बी P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 प्लस इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HF दैट इज हेड लॉस, ठीक है। ये होगा बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अ गिवन कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दिख चुका है आपको कि V1 इक्वल टू V2 है, Z1 इक्वल टू Z2 है, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गए, ये टर्म्स कैंसिल हो गए। सो यहाँ से HF आ रहा है आपका P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमारा जो एजम्पशन है दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू वी रेस्ट टू पावर एन, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए कंसिडर करता हूं मैं दैट f dash इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी, ये आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस f डैश है, ठीक है। तो यहां से लिख सकता हूं टोटल जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आएगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपका आएगा यहां से F1 इक्वल टू F- इनटू एरिया हो जाएगा। लेट अस कंसीडर के इसका जो रेडियस है दैट इज R या एंड इसका जो डायमीटर है दैट इज कैपिटल D, ठीक है, कैपिटल D इसका डायमीटर है। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा πD इनटू L, ओके, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर इसमें ट्विस्ट ये है डेरिवेशन में कि हमने वेलोसिटी लिए है वी रेस्ट टू पावर एन के प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एन के लिए यहां 2 कंसीडर करेंगे तो दैट्स व्हाई यहां पर आएगा वी रेस्ट टू पावर एन दैट इज वी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F1, ओके। सो अगर फ्लो एक्स डायरेक्शन में हो रहा हो, अब अगर फ्लो एक्स डायरेक्शन में है और मैं यहां एज्यूम करूं कि फ्लो स्टेडी है, ठीक है, स्टडी फ्लो एज्यूम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहा है और बर्नौलीज इक्वेशन याद रखना है हमको कि अनस्टडी फ्लो के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो बर्नौलीज इक्वेशन मैंने लगाया तो यहां पर एक अजम्पशन अपने आप आ जाता है दैट इज फ्लो इज स्टडी। अब फ्लो स्टडी है दैट इज लोकल एक्सिलरेशन जो होगा, लोकल एक्सिलरेशन दैट विल बी 0, ठीक है, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो स्टडी फ्लो होता है दैट इज
दैट मीन्स जो वेलोसिटीज होंगी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पे उनकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी। जैसे कि सेक्शन नंबर वन पे वेलोसिटी v1 है, सेक्शन नंबर टू पे वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो कितना भी टाइम निकल जाए, एट एनी वैल्यू ऑफ टाइम वेलोसिटी v1 ही रहेगी और v2 पे, सेक्शन नंबर टू पे जो वेलोसिटी है वो v2 ही रहेगी, ठीक है। सो दैट इज अ केस ऑफ स्टडी फ्लो। तो इसका मतलब ये होता है देयर विल बी नो एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। अब मैं लिख सकता हूँ न्यूटन्स लॉ, मैं जानता हूँ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, वेर एम इज मास ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड ए इज द लोकल एक्सेलरेशन। अब लोकल एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, यानी कि एफ दैट इज रिजल्टेंट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरिया है, ठीक है, लेट अस से एरिया ए है, तो इधर जो प्रेशर फोर्स लगेगा सेक्शन नंबर वन पे दैट विल बी p1 इंटू ए और सेक्शन नंबर टू पे लगेगा p2 इंटू ए। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है, जो हमने f1 निकाला है रेजिस्टेंस फोर्स, वो कभी भी फ्लूड के मोशन के अगेंस्ट लगेगा, सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ f1। सो अब मैं निकालता हूँ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स दैट विल बी p1 इंटू ए, जो मोशन के अलॉन्ग लगेगा उस फोर्स को मैं पॉजिटिव लूंगा, जो मोशन के अगेंस्ट लगेगा उसको नेगेटिव लूंगा। सो p1 इंटू ए माइनस p2 इंटू ए माइनस f1 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बना। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है p1 माइनस p2 इज इक्वल टू f1 बाई ए, ठीक है। अब f1 मैं निकाल चुका हूँ, f1 की वैल्यू है f' इंटू पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर। सो p1 माइनस p2 विल बी f' इंटू पाई इंटू डी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट विल बी पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से आ रहा है p1 माइनस p2 इज इक्वल टू f', पाई से पाई कैंसिल हो गया f' इंटू 4, डी से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इंटू एल इंटू वी स्क्वायर अपॉन डी, ठीक है, ये आ गया। दोनों साइड्स को अगर मैं रो से डिवाइड कर दूंगा तो दिस इज प्रेशर ड्रॉप, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप। और प्रेशर ड्रॉप क्यों हो रहा है, फ्रिक्शनल लॉसेस के कारण हो रहा है। इसको मैं रो जी से डिवाइड कर दूं बोथ साइड को तो मुझे मिल जाएगा फ्रिक्शनल हेड। सो दिस विल बी HF इज इक्वल टू F' इंटू 4 इंटू L इंटू वी स्क्वायर बाई रो जी डी, ओके, ये मिल गया। अब F' बाई रो, ठीक है, इसकी वैल्यू ली गई है डेरिवेशन में CF, दैट इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय 2, ये ली गई है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा HF इक्वल टू F' बाय रो दैट इज CF इंटू 4 इंटू L इंटू वी स्क्वायर बाय G इंटू D, ठीक है, 2GD। सो ये आ गया आपका 4 CF L V स्क्वायर अपॉन 2GD, ठीक है। सो दिस इज दी डार्सीज विचबैक इक्वेशन, जहां सी एफ जो है दिस इज दी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। अब 4 इंटू सी एफ इज इक्वल टू लिखते हैं एफ, दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर, और डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर बोलते हैं इसको, और डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। सो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर के टर्म्स में जो हेड लॉस इन फ्रिक्शन HF है वो आ रहा है HF इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD, ओके, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। सो दिस इज योर हेड लॉस इन फ्रिक्शन। सो हमने देखा डार्सीज विचबैक इक्वेशन दैट इज HF इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GD, दिस इज डार्सीज विचबैक इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो लेमिनार फ्लो दोनों के लिए ये वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं सिर्फ लेमिनार फ्लो की, अगर बात करूँ तो सिर्फ लेमिनार फ्लो जब आएगा क्वेश्चन में तो हम वहाँ पर हैगन पोएसली इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन सिर्फ तब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हमको एफ की वैल्यू मालूम हो। तो अगर मैं बोलूँ कि ये एच एफ लेमिनार फ्लो के लिए है,
ठीक है। तो अगर लेमिनार फ्लो की बात की जाएगी जब, तो जो डार्सी ज़ीज़बेक इक्वेशन है और जो हाइगेन पोइसन इक्वेशन है दोनों सेम वैल्यू देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एच एफ फ्रॉम हाइगेन पोइसन इक्वेशन होता है आपका 32 म्यू इंटू वी इंटू एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। ये होता है आपका हाइगेन पोइसन इक्वेशन में एच एफ की वैल्यू, ठीक है। अब डार्सीज के लिए हमने देखा एच एफ इक्वल टू होता है एफ एल वी स्क्वायर, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी, ठीक है। तो अगर लेमिनार फ्लो है तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो दोनों को इक्वेट करते हैं, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी इज इक्वल टू 32 म्यू इंटू वी इंटू एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जी जी कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, वी से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, डी से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से सॉल्व करने पे आ रहा है एफ इज इक्वल टू 64 इंटू म्यू अपॉन रो इंटू वी इंटू डी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 अपॉन रो वी इंटू डी बाई म्यू। ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो दिस इज रेनॉल्ड नंबर आर ई फॉर अ पाइप, ठीक है। तो यहां से आ रहा है एफ इक्वल टू 64 अपॉन आर ई। ये होता है आपका डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू फॉर लेमिनार फ्लो, फॉर लेमिनार फ्लो, ठीक है। सो डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर की एफ की वैल्यू आई 64 अपॉन आर ई, ठीक है। अब हमने देखा था कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सी एफ, दैट इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको फैनिंग फ्रिक्शन कोफिशियंट भी बोलते हैं, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सी एफ जो होता है दैट इज एफ बाई फोर, और लिखते हैं इसको एफ इक्वल टू 4 इंटू सी एफ, ये लिखते हैं, ठीक है। सो सी एफ आ जाएगा आपका एफ बाई फोर, दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर ई, सो दैट इज 16 अपॉन आर ई। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 16 अपॉन आर ई फॉर लेमिनार फ्लो, फॉर अ लेमिनार फ्लो, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा था अभी डार्सी ज़ीज़बेक इक्वेशन, दैट इज एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। सिमिलर ये था आपका डार्सी ज़ीज़बेक इक्वेशन। और हमने देखा था एच एफ इज इक्वल टू होता है 32 म्यू इंटू वी इंटू एल अपॉन रो जी डी। ये होता है आपका हैगन पोइसली इक्वेशन, हैगन पोइसली इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को वो मैंने बताया आपको, जो डार्सी इक्वेशन होता है, डार्सी ज़ीज़बेक इक्वेशन जो है वो लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो के लिए यूजफुल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हमको याद रखना है कि डार्सी ज़ीज़बेक इक्वेशन मेजरली टर्बुलेंट फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम कभी भी फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो की बात करेंगे, है ना, फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो की बात करेंगे, तो उस केस में हाइगेन पोइसन इक्वेशन ही यूज किया जाएगा। सो हाइगेन पोइसन इक्वेशन जो है दैट इज स्पेशली फॉर लेमिनार फ्लो। तो यहां से गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि जो हेड लॉस होता है इन पाइप फॉर अ फुल्ली डेवलप फ्लो दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ मीन वेलोसिटी और दैट इज प्रोपोर्शनल टू मीन वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि ये पूछा है कि एच एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी, दैट इज ऑप्शन नंबर वन, एंड सेकेंड ऑप्शन एच एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो अगर आप लोग को डार्सी ज़ीज़बेक इक्वेशन देखोगे आप, तो आपको दिखेगा कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और आप इस ऑप्शन को टिक मार दोगे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है फॉर अ फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो, तो वहां पर हमको ये याद रखना है फॉर अ फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो हमेशा हाइगेन पोइसन इक्वेशन आपको फॉलो करना होता है, और वहां से आपको आंसर मिलेगा एच एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। सो यहां पर हमको समझ आता है जो एजम्पशंस होते हैं किसी भी डेरिवेशंस में या उसके बीच में जो की पॉइंट्स आते हैं उनका रोल, वहीं से गेट और ईएस के क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। सो आज हमने डार्सी ज़ीज़बेक इक्वेशन हमने देखा, ठीक है, जो टर्बुलेंट फ्लो का केस होता है वो हमने समझा, साथ ही साथ हमने ये देखा जो डार्सी ज़ीज़बेक इक्वेशन है वो हम लेमिनार फ्लो एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर फ्लो लेमिनार हो
तो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि जब फ्लो टर्बुलेंट होगा तो किस किस तरह के केसेस आएंगे। हम वहां देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस, दैट इज स्मूथ सर्फेसेस एंड रफ सर्फेसेस, और उनके लिए देखेंगे हम डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू। आज का वीडियो यहां पर खत्म होता है। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।